पढ़ाएगा, फिर जरा हाथ खड़ा करें। एज ए सब्जेक्ट मेडिकल एथिक्स एज ए सब्जेक्ट, ये इस्लामिक वाले नीचे करें। और ये कौन सा मेडिकल कॉलेज है आपका? पेशावर मेडिकल कॉलेज, ये भी ठीक है, शिफा कॉलेज है। और सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, एनी वे मेडिकल एथिक्स जो है, मुझे अंग्रेजी और उर्दू दोनों में बात करना पड़ेगी, इसी आप सारी अबाउट दैट, क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनको उर्दू में ट्रांसलेट। वैसे किताब भी यहाँ मौजूद है, आप में से जिसने नहीं ली यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। अगर मगरब में एथिक्स की बात करें तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आया है वो 1962 का हेलसिंकी डिक्लेरेशन, उससे पहले मगरब का कोई एथिक्स नहीं था, ना मेडिकल एथिक्स था, बाकी एथिक्स का मुझे इलम नहीं है। पर मेडिकल एथिक्स में सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स विच वी कुड बी एबल टू ट्रेस इन द हिस्ट्री इज 1962 इज द हेलसिंकी फिनलैंड डिक्लेरेशन। दूसरा उसके बाद एडिनबरा डिक्लेरेशन है, जो उसके दो साल बाद 1964 में आया। फिर टोक्यो डिक्लेरेशन आया 1970 में, बट कंप्रेहेंसिव जो उनका डिक्लेरेशन आया विच कंप्राइज द फोर बेसिक जो आपको पढ़ाए होंगे, बेसिक्स ऑफ मेडिकल एथिक्स जो जस्टिस है, नॉन मेलिफिसेंस है वगैरह, उसमें वो है हेलसिंकी डिक्लेरेशन ऑफ 1978। और 1979 में फिर उसके बाद एक उसकी में थोड़ी एडिशन आई, और फिर 2000 में एक कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट जो है वो कैम्ब्रिज से आया। लेकिन इस सारी जो गुफ्तगू है इसमें आप जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखें कि 2007 से लेकर 2008 तक जो वर्ल्ड मेडिकल, अच्छा ये जो सारी वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन की कार्रवाई है, 28th मीटिंग्स ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन में ये पहला उनकी डिक्लेरेशन आई थी, और 39 मीटिंग्स में उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना प्रेसिडेंट मुंतखब किया जिसका नाम इन कहूम था, जो इसराइली इन स्टेटस कंसल्टेंट इन स्टेटस था, है अभी मौजूद है, लेकिन नो मोर प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन, जो 900 फिलिस्तीनियों के टॉर्चर और उनकी किलिंग में खुद मुलव्वस था, यानी ही यूज टू गिव बारबिट्यूरेट्स एंड शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट जो देता था इसको फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को, और उनको मारता था और उनको इंटरोगेट करने में हेल्प करता था। फिर उसके बाद अगला जो प्रेसिडेंट उनका आया वो अमेरिकन था, उसने ये रिपोर्ट जो है बीएमजे में 2009 के एंड पे आई है, दिसंबर 2009 या नवंबर 2009 में आई, कि खालिद शेख मोहम्मद जो पाकिस्तान से पकड़े गए थे और वो उनको अमेरिका शिफ्ट किया, उनकी इंटरोगेशन के लिए शॉर्ट एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट यूज करते थे टू क्रिएट एक्टिंग एंड इंटरोगेशन, तो उसमें भी एक अमेरिकन इन स्टेटस डॉक्टर उसमें मुलावस था। दीज आर द एथिक्स ऑफ द वर्ल्ड लीडर्स विच यू कैन कंसिडर। इस्लामिक उम्मा में जो पहला डिक्लेरेशन आया वो 2001 का जो डिक्लेरेशन है क्वेट डॉक्यूमेंट्स के नाम से, OIC जद्दा में फिका मेडिको फिका कौंसिल है उसने आया। फिर अमाना की कमेटी मौजूद है, इसमें मास्का जो है इस्लाम मेडिकल एसोसिएशन ऑफ साउथ अफ्रीका, अमाना इस्लाम मेडिकल एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, और पीमा का एक ग्रुप है जो मेडिकल एथिक्स पे काम कर रहे हैं। व्हाट इज एन इस्लामिक मेडिकल एथिक्स? ये कॉन्सेप्ट जो है इट्स नॉट न्यू फॉर अस, क्योंकि अभी मैं आपसे शेयर करूँगा कि ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मेडिकल एथिक्स की बुनियादें खुद रखी हैं। और आप ये देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस पूरी ज़िंदगी है वो सिर्फ चंद रसूम और इबादात मुहित नहीं है, बल्कि तकरीबन हर जो ज़िंदगी का शोबा है उसको आपने एड्रेस किया है, और इस्लामिक मेडिकल एथिक्स आर मेडिकल एथिक्स से पार्ट आते हैं। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा इस पे देख लेते हैं कि एथिक्स क्यों हमें ज़रूरत होता है, एथिक्स की क्यों ज़रूरत है, क्या मेडिकल कॉलेज में एथिक्स पढ़ाया जाना चाहिए, इससे क्वेश्चन इन वेरी मेनी वेस्टर्न कंट्रीज एज वेल, और पाकिस्तान में जब हम किसी कोशिश करते हैं पढ़ाने की कहते हैं कि इसकी क्या जरूरत है हमें इसकी क्या, तो प्रॉब्ली टू अचीव द कॉम्पिटेंसी विच इज रिक्वायर्ड फॉर ए डॉक्टर मेडिकल एथिक्स इज द पैरामाउंट। एक आपने मशहूर मेडिकल एजुकेशन का एक फार्मूला सुना होगा कि इसकी तीन डोमेन्स हैं,
और उसमें से एक इफेक्टिव टू मेजर दैट इज योर एटीट्यूड आर योर बिहेवियर. इफ यू मल्टीप्लाई योर नॉलेज एंड स्किल्स एंड इफ यू जमा करें आप अपने नॉलेज और स्किल्स को और मल्टीप्लाई करते हैं आप इफेक्टिव डोमेन के साथ इज इक्वल टू मेडिकल एजुकेशन. आई गुड मैंने यहाँ लिखा नहीं और नोट अतर में आपको इफ यू मल्टीप्लाई विद जीरो एनीथिंग विद मल्टीप्लाई विद जीरो इट विल बी जीरो. सो इफेक्टिव डोमेन इन कॉम्पिटेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन मेडिकल एजुकेशन एंड देयरफॉर एवरीवन ऑफ अस इज ट्राइंग टू अचीव सम कॉम्पिटेंसी बट मोस्ट ऑफ अस आर नॉट वेरी मच familiar with the word competency and what it means and what it sounds like. Jo meri samajh mein aaya would probably it is a quality of being adequately are well qualified physically and intellectually both. Ye uske baad us competencies ke mukhtalif sectors hain jinhe hame achieve karna chahiye. Unme pehli cheez to aap properly qualified ho, phir aap khud bhi ek educator ho aur abhi jo doctors ke mukhtalif functions hain uske mutalliq main aapse डिस्कस करूंगा तो आप ये देखेंगे कि डॉक्टर शुड बी ए गुड एजुकेटर एज वेल. ही शुड बी कॉम्पिटेंट इन प्रोफेशन गुड एडमिनिस्ट्रेटर हैविंग गुड कम्युनिकेशन स्किल्स. ही शुड बी लीडर इन द सोसाइटी. ए डॉक्टर इज ऑलवेज लीडर इन द सोसाइटी एंड ही हैज अ कंटीन्यूअस एबिलिटी टू इंप्रूव कंटीन्यूअसली. अपार्ट फ्रॉम दिस ही शुड बी आल्सो हैविंग उसकी अपनी एक कॉम्पिटेंसी इसमें भी हो कि शुड बी वेल वर्स विद द रीसेंट एडवांसेस व्हिच इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड. व्हाई एक मिनट में इसके तरफ भी आते हैं. फिर ही शुड बी ए गुड रिसर्चर एज वेल. आप रिसर्चर उस वक्त तक नहीं हो सकते जब उसकी बेसिस का हमें ना पता हो. और फिर मेडिकल एथिक्स विच इज बॉन्ड एंड टॉप ओवर दैट ए डॉक्टर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर. ये नहीं है कि आपने किताब और दो कोटेशंस में दो ना मुसलमानों के नहीं है मैं आपसे शेयर करूंगा और फिर आपको उसकी समझ आएगी कि ये कितना ज़रूरी है. जो हेलसिंकी डिक्लेरेशन में डॉक्टर्स के फंक्शन दिए गए हैं वो है कि इज ए क्लिनिकल वर्कर. ऑल ऑफ यू शुड बी ए क्लिनिकल वर्कर. इसमें बहुत सारी मिसालें दी जाती है. ऑल ऑफ यू अभी प्रिवेंशन की बात हो रही थी. प्रिवेंटिव वर्कर भी हैं आप रिसर्च एंड इनोवेशन भी करते रहेंगे. जिंदगी कुछ ना कुछ आप जरूर करते हैं. ये नहीं हो सकता कि एक डॉक्टर इस तरह मर जाए उसने एक चीज भी कोई इन्वेंट ना की हो. यू आर ऑलवेज ए सोशल वर्कर एंड यू हैव द एबिलिटी टू कंटिन्यूसली इंप्रूव योरसेल्फ बाय कंटिन्यूअस मेडिकल एजुकेशन. व्हाई यू आर ए लाइफ लॉन्ग लर्नर इफ यू रीड दिस कोटेशन दिस सेज के आपको आप जिस वक्त उस वक्त आप मर जाते हैं जब आप कुछ लर्न नहीं करते. जब इंसान कोई मजीद लर्न करना शुरू ना करे तो इंटेलेक्चुअली इट इज द डेथ. और इफ यू सी अनदर कोटेशन मेरा ये ख्याल है कि ये आइडिया के स्टूडेंट्स ही पढ़ते हैं और वही लर्न करते हैं. दिस इज ओल्ड फैशन आइडिया. और अभी हम कहेंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया. नाउ दिस वाज समथिंग जो जनरली हम थोड़ा सा इसको ओवरव्यू में देखते हैं कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमें एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए. लेकिन आप अगर थोड़ा सा गौर फरमाएं कि कुरान पाक की 1000 आयात ऐसी हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर रिलेटेड विद इस्लामिक मेडिकल एथिक्स. और उसके अलावा 1700 डिफरेंट हदीस हैं जो मैं कुछ कम से कम इससे ज़्यादा हो सकती है जो मैं कलेक्ट कर सकता हूँ. 1700 हदीस हैं जो डायरेक्टली कंसर्न है विद द हेल्थ एंड मेडिकल प्रैक्टिस. उसके अलावा जो चीज़ें आप देखते हैं कि हम इन सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जो एक कंप्रिहेंसिव डॉक्टर्स की एजुकेशन का इंतज़ाम करते हैं उसमें से अगर मेडिकल एजुकेशन को मेडिकल एथिक्स को अगर आप निकाल दें तो वो फिर जी इफेक्टिव डोमेन जिसको आप कहते हैं बिहेवियर को आप निकाल दें देट विल बी नेचुरली वो डॉक्टर जो है वो मुकम्मल डॉक्टर बनना तो दूर की बात है वो जीरो वाला डॉक्टर. इसलिए हमारा ये ख्याल है कि मेडिकल डॉक्टर को प्लान की एजुकेशन को प्लान करने के लिए हमें एक डॉक्टर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक जिंदा मिसाल इस दुनिया के ऊपर बनाना चाहिए. अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कायनात और उसकी इबादत की एक जिंदा मिसाल हमें इस दुनिया में बनाना ये एक प्राइम पर्पज़ होना चाहिए. फिर उसके बाद इस्लाम ने मैंने अभी आपसे वादा किया था कि 2-5 मिनट के बाद मैं आपको ये बताऊँगा
कि इस्लाम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ही मेडिकल एथिक्स के बुनियादी असूल वज़ा किए थे। इवन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रांसप्लांट के असूल भी वज़ा किए थे। और आपको ये हैरत होगी कि बहुत सारे उलमा ने इस चीज़ को कोट नहीं किया और ये फतवा भी दे दिया कि ट्रांसप्लांट हराम है, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ट्रांसप्लांट किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोने की चांदी की नाक को हटा के सोने की नाक लगाने का हुक्म खुद दिया। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से डायरेक्टली कंक्लूड की जा सकती है। कुछ हदीस जो डायरेक्टली इससे मुतल्लिक हैं एथिक्स से, वो आप ये देखें कि प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स में बुनियादी चीज़ ये है कि जो लोग तुम में से जिस किसी ने तिब की प्रैक्टिस इल्म और तजर्बे के बगैर की, वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है। अगर उसकी किसी रॉन्ग डूइंग की वजह से पेशेंट मर जाता है या उसको कोई तकलीफ हो जाती है, डिसेबल हो जाता है, यू शुड बी अकाउंटेड फॉर बाय रिस्पांसिबल। उसके बाद एक और बड़ा अजीब जो हमें अजीब लगता है, और वेस्ट को तो ये इंसेंटिव ही नहीं है, हमें ये इंसेंटिव है कि अगर दवा जो है वो तशखीस के मुताबिक या इलाज तशखीस के मुताबिक कर दिया जाए तो अल्लाह के हुक्म से शिफा आ जाती है, शिफा होती है। शिफा अल्लाह के हुक्म से होती है, लेकिन इलाज तशखीस इससे ये भी एक नतीजा मखज कर सकते हैं कि बगैर तशखीस के दवाएं प्रिस्क्राइब करना जो है ये गैर शरी है। बहुत सारे उलमा ने इसके ऊपर फतवा दिया है। उसके बाद एक और जो बड़ा इंसेंटिव है रिसर्च के लिए, किसी काफर को ये तो कोई उम्मीद नहीं है कि कैंसर का कोई रिसर्च कैंसर की कोई इलाज है, या किसी काफर को ये उम्मीद नहीं है कि डायबिटीज़ मेलाइटिस का कोई इलाज है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज भी उसके साथ ना उतारा। तो वी हैव टू सर्च फॉर दैट, दिस गिव यू एन इंसेंटिव टू डू अ कंटीन्यूअस रिसर्च एंड पुट योर मैक्सिमम एफर्ट टू कम अप विद द सॉल्यूशन ऑफ दोज डिजीजेस व्हिच हैज नॉट बीन क्योर्ड सो फार। अच्छा, फिर उसके बाद जो पूरी जो मुसलमान डॉक्टर की ज़िंदगी है वो इबादत है। इसलिए अब इससे अगली दो हदीस में आप इसे शेयर करूँगा। पहली चीज़ तो ये है कि जब भी कोई आदमी किसी मुसलमान किसी पेशेंट को, मुसलमान का नहीं कहा कि किसी पेशेंट को इबादत करता है, उसको विजिट करता है, अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए दुआ के लिए खड़े हो जाते हैं। तो ये एक और इसी हदीस को मुख्तलिफ पैराय में मुख्तलिफ जो है हदीस की किताबों में बयान किया गया है। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर ये कंसेंट का बुनियादी असूल जो मैं सिर्फ आपसे क्लेम्स से 1700 हदीसों में से सिर्फ क्लेम्स आपके साथ जो है शेयर करना चाहता हूँ, विच इज़ द पार्ट ऑफ अवर डेली प्रैक्टिस, कि अगर कोई मरीज इलाज से इनकार कर देता है तो यू कैन नॉट इम्पोज योर ट्रीटमेंट ऑन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, आप ये उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। और ये अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी मशहूर हदीस है जो जामे तिर्मिज़ी ने नकल की है, उसमें जो तीन इसमें जो छः हकूक एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के हकूक, तीन जो हैं वो डॉक्टर से डायरेक्ट रिलेटेड हैं, उसमें आदत है, उसमें उसकी जो है जो उसके सेहत की दुआएं वगैरह। अच्छा, फिर हम अभी थोड़ा सा गौर करते हैं कि ये एथिक्स है क्या चीज़। बहुत सारे लोग आप में से जानते हैं कि एथिक्स इखलाक को कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि मैं इखलाक की हुस्न की तकमील के लिए आया हूँ, तो इसलिए मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इखलाक की हुस्न की तकमील के लिए मबऊस किया दी, एक्सलेंस इन एथिक्स। तो ये वर्ड जो एथिक्स है, ये ग्रीक वर्ड एथिको मीन्स कैरेक्टर आर द पर्सनल बिहेवियर एंड एटीट्यूड, और ये एक फिलासफी का एक हिस्सा है विच इन्फ्लुएंस पर्सन बिहेवियर आर प्रोफेशनल कंडक्ट आर बिजनेस कंडक्ट द थिंग्स विच आर अकॉर्डिंग टू द करेक्ट बिहेवियर वी कॉल इट एथिकल। अभी हमने कंडेम किया एक आदमी, एक डॉक्टर साहब को, कि जिन्होंने अपने प्रोफेशन को मिस यूज किया फॉर द किलिंग एंड टॉर्चर ऑफ जो भी कैदी थी जो भी, और इसीलिए जो चीज़ जो है इससे अगेंस्ट आएगी इट शुड बी कॉल्ड अनएथिकल। अब मेडिकल एथिक्स, जैसे मैंने आपसे हिस्ट्री थोड़ी शेयर की थी, वेस्ट को तो 1978 में याद आया, लेकिन आई जस्ट वॉन्ट टू गो ए लिटिल बिट बैक के जो अबुल कासिम अज़हारवी की किताब जो है तफसीर,
This is a 20 volume book and 42,500 pages handwritten book. Written in probably मुझे सही याद नहीं है मेरे 10वीं हिजरी या 9वीं हिजरी में ये लिखी गई थी. ये किताब 450 साल तक यूरोप और दुनिया के तमाम मेडिकल स्कूल में टेक्स्ट बुक के तौर पर पढ़ाई जाती रही है. ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा अरसे तक जो किताब कोई टेक्स्ट बुक पढ़ाई गई है वो तफसीर है. उसका पूरा एक वॉल्यूम जो है वो मेडिकल एथिक्स पे है और पूरा एक वॉल्यूम जो है वो मेडिकल एजुकेशन पे है और पूरी उनकी एजुकेशन जो है इट वाज इंटीग्रेटेड मेडिकल एजुकेशन विद यू आजकल जिसका शोर पड़ा हुआ है इंटीग्रेट करो इंटीग्रेट. तो बुनियादी तौर पे उन्होंने इसको इस पूरे जो मेडिकल एथिक्स है उसको उन्होंने तीन बुनियादी अनासर में उसको तकसीम किया है. जो ये मैंने डायरेक्टली उनकी किताब से ही ट्रांसलेशन किया. तो ये तीनों चीज़ें जो हैं ये जब तक इकट्ठी नहीं होगी तो मेडिकल प्रैक्टिस कैन नॉट बी कम्प्रिहेंसिव एंड द फ्रूटफुल वन. अच्छा जैसे मैंने आपसे अभी जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मेडिकल एथिक्स की बुनियादें रखी गई थी और उसको प्रैक्टिस भी किया जाता था. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतर वो है जिसके इखलाक बेहतर है. इखलाक का बेहतर होना जो है या जो एथिक्स का बेहतर होना जो है ये ईमान की निशानियों में से निशानी है. और इसी तरह ये अबू दाऊद की जो हदीस है मैं आपसे शेयर करता हूँ. अब सोर्सेज क्या है इस मेडिकल एथिक्स के, जो इस्लामिक मेडिकल एथिक्स है इसकी क्या सोर्सेज हैं, कहाँ से ली गई? अब वो आपको पता है कि दो जो है वो बुनियादी तौर पे बुनियादी सोर्स जो है वो कुरान और हदीस है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है. फिर सहाबे इकराम का जो इजमा है, सहाबे इकराम का जो अभी अली साहब की आज से बात कर रहे थे, जिस सहाबी ने जिस तरह भी जो अमल किया वो हमारे लिए मशहूर रहा है. लेकिन उसके अलावा दो चीज़ें जो हैं वो गैर मुस्तकिल हैं. उनमें से एक क्यास है जो जिसके ऊपर आप सारी अपनी बुनियाद रखते हैं और दूसरी चीज़ जो है वो इजमा उम्मत है जिसके ऊपर आप जो है वो कानून की बुनियादें रखते हैं. इसको अपने ज़ेर नज़र रखते हुए इलामा शातबी ने जो एथिक्स के लिए खुसूसी तौर पे अलमकासद शरिया या शरीयत के द प्राइम पर्पज ऑफ शरिया मुकर रखी और इसको जो इलामा शातबी किताब अलमकाफ़तुल इस्लाम इज़ द बेसिक्स ऑफ फ़िका फ़र आल जितने भी चार हमारे मज़ाहब हैं और इंक्लूडिंग फ़िका जाफ़रिया वो भी इसी से करते हैं. इसीलिए अल्लाह के नबी आप हर जुम्मे को सुनते हैर करून करनी सुमल्ला ज़ीना यो. तो ये डायरेक्ट जो हैं ये सहाबा इकराम के जो ताबी थे उनमें से एक से डायरेक्ट इन्होंने इल्म और इन्होंने जो बुनियादी चीज़ें शरीयत के फ़िका के लिए मुकर्रर किए हैं वो ये हैं. पहली चीज़ तो ये है हिफ्ज़ुद्दीन. सो प्राइम चीज़ जो है वो ज़िंदगी से भी ज़्यादा दीन की हिफाजत या प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन इज़ इम्पॉर्टेंट. सेकंड थिंग तो वो है वो ज़िंदगी की हिफाजत या प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्ट या अकल, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी या माल और प्रोटेक्शन ऑफ नस्ल या हिफ्ज़ुल नस्ल जो है ये जो पाँच प्रिंसिपल हैं मकासद हैं इन्हीं के पांच मकासद की बुनियाद पे इलामा शातबी ने इसके लिए कुछ कवायद जो हैं मुकर्रर कर दिए जिनको प्रिंसिपल ऑफ शरिया कहते हैं. उसमें से सबसे बड़ा जो पहला प्रिंसिपल है वो नियत है, इंटेंशन, नियत, कसद कि आपकी नियत क्या है, आप क्या करना चाहते हैं. इसीलिए एक हदीस में है कि एक जज अगर खलूस नियत के साथ गलत फैसला करता है तो उसको एक अजर मिलेगा और खुलूसी नियत के साथ और गलत फैसला उससे हो जाता है फिर भी उसको एक अजर मिलेगा. कसद इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है और आप मशहूर हदीस हैं इसके मुताबिक आप सुनते हैं. दूसरी चीज़ जो है वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है आर द प्रिंसिपल ऑफ सर्टेनिटी आर यकीन. तीसरा है कायदुल दरर या प्रिंसिपल ऑफ इंजरी. आप किसी का ऑपरेशन करते हैं, किसी को दवाई देते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग देते हैं या जो भी आप अपना इलाज का तरीका वजह करते हैं उससे कुछ ना कुछ नुकसान होता है और कुछ फ़ायदा होता है. लेकिन आपको जो ऊपर वाला प्रिंसिपल है कि सर्टेनिटी जो है वो उसको आप सामने रखते हैं. फिर इसी तरह
अस्पतालों में आना, मरीज को दाखिल करना और ये मरीज को अद्वियात देना और दवाइयाँ खाना, और ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको प्रिंसिपल ऑफ हार्डशिप में लिए। इसी तरह माशरा जो है, जो रवाज है, ये कस्टम है, उसको भी शरीयत का एक ऐसा करार देता है कि जो माशरे के अंदर जिस चीज़ का रवाज हो वो शरीयत का ऐसा है। मतलब एक छोटी सी मैं मिसाल देता हूँ, इट इज़ परफेक्टली ओके अगर कोई आदमी गली के अंदर जो है अपनी बीवी के साथ जो है हाथ डाल के जा रहा है, तो इस शरीयत में कोई हराम नहीं है, लेकिन उर्फ चूंकि इसके बिल्कुल अगेंस्ट है, इसलिए शरीयत उसके ऊपर कदगन लगा सकती है कि ये काम आप यहाँ नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी मिसालें हो सकती हैं जिसके ऊपर शरीयत जो है दी जो है वो कर दे, कदगन लगा दे। अब हम ये देखते हैं, हम सारी देखिए इनकी बेसिस के ऊपर हमने कुछ गाइडलाइन मुकर्रर की हैं। पहली बात, पहली चीज तो ये है कि इस्लामिक मेडिकल एथिक्स में, ये ख्याल में निकल गया यार, कुछ काम शाम है, कोई बात नहीं, जनरेटर चलेगा तो ऑन हो जाएगा, जनरेटर चलेगा ऑन होगा तो सब चलने, मैं तो नहीं, मेरा जनरेटर है अभी। अच्छा जी, सबसे पहली बात यह है कि दीन में ट्रीटमेंट जो है वो इनकरेज की जाती है, ये इम्पोज नहीं की जाती, इनकरेज की जाती है। यू मस्ट ऑल इनकरेज, यू शुड बी ए हेल्थ प्रोमोटर, यू शुड इनकरेज योर जो 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 पेशेंट को आप इनकरेज करें कि वो ट्रीटमेंट लें। और फिर इसी से उलमा ने ये एक शरीयत का असूल निकाला है कि हर माशरे के अंदर एक ऐसा तबका ज़रूर होना चाहिए कि जो उसका होना फर्ज कफाया है कि जो लोगों का इलाज करे। इसीलिए डॉक्टरी की तालीम हासिल करना, ये मेडिकल एजुकेशन हासिल करना जो है ये फर्ज कफाया है। अगर किसी पूरे माशरे के अंदर कोई भी ना हो, एक डॉक्टर भी ना हो, और सारे के सारे लोग जो हैं वो सिर के मरने वाले हों, तो ये एक उनके वो फर्ज कफाया, जिस तरह जनाजा फर्ज कफाया वो अदा नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये यकीन रखते हैं, अभी हदीस से साबित हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर बीमारी की जो है वो का इलाज नाजल किया हुआ है। एंड वी हैव टू सीक एंड वी हैव टू फाइंड आउट, डू रिसर्च, फाइंड आउट दी क्योर ऑफ दैट। फिर ये भी आपको पता है कि हमें से अक्सर लोग जो है देखते रहते हैं कि अस्पतालों के बाहर ये ज़रूर लिखा होता है फमाना क्या पकाना क्या ना सजमिया, लेकिन उससे पहले वाले फिक्रे को कभी हम गौर नहीं करते। वमन कतल नफ्स बगैर नफ्स, ये इस ऐसे के ऊपर हम ये गौर नहीं करते। हम में से जो कोई कत्ल करेगा बगैर इसके कि उसने कत्ल किया हो या उसके लिए कत्ल वाजिब हो, वमन कतल, तो उसी तरह है कि जिसने सारी इंसानियत को कत्ल किया। तो इसलिए ये एक इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर इफ यू आर नॉट गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन We might be killing few people around. तो इसलिए दूसरी चीज जो है इबादत जो है वो एक सादत है, ये आप पहले भी सुन चुके हैं। अच्छा, what is the importance of a medical profession? Why we say कि medical profession जो है ये बहुत important है, ये एक मुख्तलिफ किस्म की चीज है। यहाँ इसके medical doctor बनने के लिए और medical जो doctors हैं ये एक खास किस्म के लोग हैं। ये वो लोग नहीं है कि जो मिस्त्रियों का काम करते हैं, ये इंजीनियर्स हैं या रोड बनाते हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, स्पेस साइंटिस्ट हैं, ये उन लोगों से भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जो लोग जो है वो एटम बम बनाते हैं उन लोगों से भी बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जो मशीनें बनाते हैं या बिल्डिंग्स बनाते हैं, दे आर डिफरेंट पीपल। क्योंकि दिस रिलेट्स द ह्यूमन बींग विद द ह्यूमन बींग, यू आर डायरेक्टली, योर प्रोफेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द ह्यूमन बींग्स, और दिस रिलेशनशिप इज टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट। ये आपका जो रिलेशनशिप है आपके और मैं आपके मरीज के दरमियान, ये टोटली बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इसके दरमियान में और कोई चीज़ नहीं है, ट्रस्ट ही है। और वो एतमाद जो है उसी एतमाद के बुनियाद पे एक आदमी जवान लड़की अपनी आपको अकेले में आपके पास छोड़ के चला जाता है कि इसका इलाज करें। व्हाटएवर यू डू इन द ऑपरेटिंग रूम नोबडी नोज, अल्लाह नोज, और वो उस आदमी का ट्रस्ट है। और इस ट्रस्ट को बेटर करना जो है, इस ट्रस्ट को मिसट्रस्ट में तब्दील करना जो है बहुत बड़ा गुनाह, उतना ही बड़ा गुनाह भी है। और फिर ये है कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रॉन्ग डूइंग इज वेरी ग्रेव कंपेयर्ड टू द अदर प्रोफेशन। अगर किसी आदमी ने सड़क गलत बनाई है तो खड़े पड़ेंगे, लेकिन अगर किसी आदमी ने एक इंसान का इलाज गलत किया है तो उसका उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ग्रेव हैं। और हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम अपनी जो जो अपने पेशेंट्स हैं उनमें
नॉर्मेलिटी को रिस्टोर करने की कोशिश करें, यानी वी शुड ट्राई टू रिस्टोर द नॉर्मल, जिस तरह मरीज हमारे पास अपनी सेहत की पहली हालत में था वो हमारा जो है उस हालत में हमें मरीज को लाना चाहिए। फिर जिंदगी की हिफाजत हमारा काम है, इसीलिए इस्लाम में ये तुनीजिया जिसको आप मर्सी किलिंग कहते हैं उसको हराम करार दिया है कि ये तुनीजिया इज नॉट अलाउड इन इस्लाम, क्योंकि वी आर प्रोटेक्टर ऑफ दी लाइफ रादर देन दी किलर्स। आप देखें कि बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में ये तुनीजिया जो है वो इट्स अ लॉफुल एक्ट। फिर हमारा काम जो है सफरिंग को एलिविएट करने की कोशिश करना है, मजीद सफरिंग क्रिएट नहीं करना किसी के लिए, इसलिए इस जिंदगी में अपना आपको जिंदगी में हमेशा इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी वजह से हमारे मरीज को लाइफ लॉन्ग या टाइम बीइंग जो है किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। फिर ये सारा काम जो है ये कॉन्फिडेंशियलिटी से मुतालिक है कि वी शुड बी हैविंग सेफ गार्डिंग द पेशेंट डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी द एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट्स का जो सीक्रेट्स हैं उसको काम। फिर एक और असूल इससे वजह किया गया, थोड़ा पानी दे दो, वजह किया गया है कि necessity overrules prohibition, कि जहां जो दायर जरूरत है उस वक्त जो हराम चीज भी है उसको भी अलाउ किया गया है, बट हराम हैज टू बी रिमूव्ड एट ऑल कॉस्ट व्हेन इट इज पॉसिबल। बीइंग ए मुस्लिम फिजिशियन इट इज अवर ड्यूटी कि अगर कोई हराम दवाई का मुतबादल मौजूद है वी शुड बी नोइंग दैट, इफ वी आर नॉट नोइंग दिस इज अ सिन। फिर अगर दो कोई ज्यादा बड़ी दो इबल दो एक प्रिंसिपल आप पहले अनीस साहब से भी सुन चुके हैं, चूजिंग द लेसर इवल अमंग द टू इफ यू आर पुश्ड टू टू पुश्ड टू अडॉप्ट वन इवल, तो जो लेसर इवल है उसको आप अडॉप्ट करें। फिर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक इंटरेस्ट या सोसाइटी की इंटरेस्ट ऑलवेज overrides the individual interest. ये इस चीज का भी एक बुनियादी प्रिंसिपल है मेडिकल एथिक्स का और इसका हमें जरूर ख्याल रखना चाहिए। And you have to determine the best level of care. You have to find best level of care for your patient. It is your prime duty. अगर किसी चीज का बेहतर इलाज मौजूद है तो वो आपको पता होना चाहिए, you should adopt that particular. फिर ये है कि जिन लोगों को कंटिन्यूस से एक हाइपरटेंशन का मरीज है या एक ऐसा मरीज है जिसको डायबिटीज है उसकी नीड ए कंटिन्यूस केयर, एंड दिस कंटिन्यूस केयर शुड बी प्रोवाइडेड बाय द डॉक्टर विदाउट हैविंग एनी ग्रीड टू इट। ये नहीं है कि हर दफा मेरे पास आएगा और मुझे पैसे देता रहेगा, बल्कि ग्रीड के बगैर हमें इसको कंटिन्यूस केयर देनी चाहिए। फिर अगर कहीं पर हम बीमारी का इलाज ना कर सकें तो उस सूरत में रिलीविंग ऑफ सिम्टम्स शुड बी अनदर principle of the medical ethics. Pain, people should not die of pain. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे भाई का ऑपरेशन हुआ तो मेरे वाले साहब भी बोल के भाई पेन है पेन, वो कहने लगे कि ऑपरेशन के बाद मजा तो नहीं आता, दर्द ही होता है। तो this should not be there. Being a doctor, we should not adopt this sort of things. Why? Because when the patient is having pain, this means your treatment is going towards failure. Whether this pain is postoperative pain or whatsoever, pain relief is very, very important aspects of medical practice. Then you have to determine the best mode of treatment or cure for your patient, whether it's a medical, surgical, or could be otherwise. So therefore, आपको ये determine करना पड़ेगा कि आप कौन सी medical care जो है वो अपने patient के लिए करते हैं और कहाँ पे वो available है और कैसे उस patient को जो है वो मिल सकती है। उसके बाद जो कुछ इंडिविजुअल इश्यूज हैं जो एक डॉक्टर को अडॉप्ट करनी चाहिए उसके मुताबिक मैं थोड़ी सी बात करूंगा। ए डॉक्टर शुड बी क्लीन, डॉक्टर लगना चाहिए, एक डॉक्टर जो है एक मुसलमान डॉक्टर लगना चाहिए, स्लीपर पहन के और जीन की पतलून जो घुटनों से फटी और नीचे से भी फटी और जमीन पे लटकाते हुए आना और टेस्ट टेस्ट आना कह देना कि ये बड़ी अच्छा बड़ा मैं तो है तो डॉक्टर नॉलेजेबल डॉक्टर हो सकता है, but he doesn't behave as a doctor. So behavior should be of a doctor. You should look like a doctor. It is perfectly okay. You should not be a daunting personality and not too giddy. ये भी कि आप जो है बड़कीले कपड़े पहन के आ जाएं
इट विल बी परफेक्टली ओके अगर मैं यहाँ लुंगी पहन के और नीचे लांचा पहन के और पगड़ी पहन के आ जाऊँ और आपके सामने मेडिकल एथिक्स पे बात हो, परफेक्टली ओके ठीक, लेकिन आपको एक अजूबा लगेगा। तो एक इस किस्म का लिबास पहनना जो किसी को अजूबा लगे, इट इज नॉट दी मतलब ये आपकी जो डिग्निटी है उसके बिल्कुल खिलाफ है। अब जो कहते हैं जी बड़ा डॉक्टर जो है बहुत ज्यादा डांटता है, अच्छा डांटने वाला डॉक्टर जो है, जितना अच्छा डांटता है डॉक्टर उतना ही बड़ा डॉक्टर होता है, वो फीस भी ज्यादा लेता है। तो दिस इज अगेन अगेंस्ट दी इस्लामिक मेडिकल एथिक्स। तो व्हाई इट इज सो आई कैन रेड सेवरल हदीस, मुमताज साहब बार बार देख रहे हैं, टाइम तुम्हारा होने वाला है। तो यू शुड नॉट बी अ डांटिंग पर्सनैलिटी, यू शुड बी ऑन टाइम ऑलवेज, ये आपको देख के लोग घड़ियां मिलाए। एंड ऑलवेज ग्रीट द पेशेंट, अगर आपकी बीवी से या किसी से लड़ाई हुई है तो आप इसका असर, या किसी और से आप लड़ाई है रास्ते में किसी ने गाड़ी मार दी आपकी, दिस शुड नॉट रिफ्लेक्ट व्हेन यू आर डूइंग योर वार्ड राउंड और अटेंडिंग योर पेशेंट इन योर ओपीडी, यू शुड नेवर रिफ्लेक्ट, यू शुड ग्रीट द पेशेंट विद अ स्माइलिंग फेस एंड ऑलवेज से अस्सलाम वालेकुम, इट डजंट, और इसकी आपको नेकी और इसके ऊपर मैं है कोई और बात करेगा। व्हेन यू सी द पेशेंट यू नीड टू हैव फुल अटेंशन टुवर्ड्स द पेशेंट, your telephone should be switched off, if this is bimari jo aapne idhar jeb mein dali hoti hai aur aarok tak leke firte hain, this is a disease as well as a good thing as well, the misuse of this when you are talking with the patient and patient carefully patient ko nahi kar telephone aa raha aur aata aur patient us waqt jo reflect back karke jata hai, when you are yourself a patient and somebody is doing with you, then you will feel it how bad it is। kuch log akhbar bhi padhte rehte hain, kitab bhi padhte rehte hain, एफ सी पी एस का इम्तहान भी देना होता है और साथ मरीज भी देख लेते हैं, ऐसा भी मत दे, यू शुड हैव फुल अटेंशन टुवर्ड योर पेशेंट, एंड पेशेंट माइट बी डाइंग टुमारो मॉर्निंग, यू नेवर नो डे आफ्टर टुमारो, यू नेवर नो व्हेन द पेशेंट इज डाइंग, यू नो ही इज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी ग्रेव ग्रेव डिजीज, बट यू शुड हैव ऑलवेज ए पॉजिटिव नोट एट द एंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नॉट गिव द पेशेंट, आपको उसको जो है ना वो ना देके बैठे डेथ सर्टिफिकेट हाथ में ना देके बैठे, अगर उसने एक महीने बाद मरना है उसको कह दें आपके दो महीने देंगे तो वो तो भी मर जाएगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड हैव ए वेरी पॉजिटिव नोट एट द, अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह के इख्तियार में है सारा कुछ, आपके इख्तियार में नहीं है। और फिर बहुत सारे डॉक्टर्स हजरात जो है सिगरेट पीते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हजरात नस्वार खाते हैं, बहुत सारे डॉक्टर हजरात जो है वो पान और छलिया और पता नहीं क्या क्या चीजें खाते हैं, और जो पेशेंट आ रहा होता है चाय भी पी रहे होते हैं और पेशेंट को भी देख रहे होते हैं। इन सब पीपल आई माय सेल्फ सही साहब प्रेसिडेंट थे, तारिक साहब को वो हो गया चेस्ट पेन हो गया, तो मैं उनको लेके, हमारे पास प्रेसिडेंट है उनको लेके एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान में लेके गया, तो जो मेरे सामने एक आदमी जो उसकी रिससिटेशन कर रहा था वो एक हाथ से सिगरेट मुंह में पकड़ा हुआ था, दूसरे से उसकी चेस्ट नंबर कर रहा था। This should not be there. I think one should be having some मतलब कुछ etiquettes तो हमारे होने चाहिए, कुछ principles तो होने चाहिए, कुछ ना तो खत्म करो। And always not habit किसी चीज की मत बनाए, even चाय की भी आपकी habit नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी सारी जो personality है उसको damage करते। You should continuously develop your knowledge and skills. There is no end to learning skill. मैंने इस एज में लास्ट ईयर मास्टर किया, अभी मैं 50 साल का हो गया हूँ, तो अभी मैंने मास्टर किया मेडिकल एजुकेशन में, न्यू थिंग, लेकिन आपको कभी भी स्टॉप नहीं करना चाहिए कि यू शुड लर्न द न्यू थिंग्स इन योर प्रोफेशन और इन योर स्पेशलिटी। फिर कोर इश्यूज जो है मेडिकल प्रोफेशन में उसको आपको मास्टर होना चाहिए इन योर ओन स्पेशलिटी, और डू नॉट फाइंड सीक द शॉर्टकट्स इन लाइफ, देयर इज नो शॉर्टकट इन लाइफ and there is no shortcut to experience, you must be having a very good expertise, lekin jisne 50 surgeries ki hui hain uska overall experience aapse zyada hai kyunki aap you are just started, so therefore there is no shortcut and don't seek shortcuts in medical profession, you should always keep yourself abreast with the recent advances in your specialty, it is obligatory to all Muslim doctors. क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उत्तबर इल्मो मिनल महदे इल्लाह, तो सीक द नॉलेज फ्रॉम द लैप ऑफ द मदर टू दैट ग्रेव, सो दैट देयरफॉर इट्स आवर प्राइम ड्यूटी कि हम अपने आप को जो है वो नॉलेज के साथ जो है वो रखें, एब्रेस्ट रखें।
वी हैव टू गिव सम टाइम्स टू आवर पर्सनल लाइफ. जब गुम हो जाते हैं ना इसमें प्रैक्टिस में तो अपने आप को भूल जाते हैं. और आपने मशहूर लतीफा सुना होगा कि अखबार वाले अंकल आए हुए हैं. मैं अक्सर ये मिसाल देता हूँ. तो इसलिए वन शुड बी नॉट बी अखबार वाला अंकल. आप अपने बच्चों को भी कुछ टाइम दें, अपनी जिंदगी को भी टाइम दें, और इसके साथ साथ जो है अपनी जिंदगी के बाकी आपकी फैमिली भी है उसके साथ भी. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से बेहतर हो, सबसे बेहतर वो है जो अपने खानदान के साथ बेहतर है. तो इसलिए अपने खानदान का भी, अपने लोगों का भी, अपना भी, अपने माँ बाप और बहन भाइयों का भी ख्याल रखें, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें. ये भी नहीं है कि हमारे पेट जो है बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और वो लोग भी शलवार कमीज बनते हैं, उनको पता ही चलता कितना बढ़ गए हैं. और फिर होता ये है कि जब एक दिन जो है आईसीयू में या सीसीयू में पड़े होते हैं. वन शुड बी डूइंग रेगुलर एक्सरसाइजेस एंड रेगुलरली हैव टू. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मोमिनु कवियन खैरुन मिन अल मोमिनु दईफ. एक ताकतवर मुसलमान जो है वो कमजोर मुसलमान से बहुत अच्छा. कुछ वक्त लेयर के लिए, कुछ वक्त जो है उसके लिए भी निकालें कि थोड़े दिनों के लिए आप मतलब मैं अपने लेयर को इस तरह मैं आता जस्ट वांट टू शेयर विद माय एल्डर्स अराउंड कि मैं अपने लेयर को मतलब मुझे छुट्टी थी दो हफ्तों की, मैं गजा चला गया. पिछले दो हफ्ते में गजा में था और माई डेड ऑपरेशन था. एंजॉय माई सेल्फ. यू कैन हैव अदर मूड्स ऑफ लेयर इन योर लाइफ एंड डू समथिंग फॉर योर. कुरान पाक में मेडिकल प्रैक्टिस के लिए डायरेक्ट आयत मौजूद है. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी वला तक्फु मा लैसा लका बिइल्म इन्नस समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु लाइक काना अनु मसूला. एंड डोंट इंडल्ज योरसेल्फ विद द बिजनेस विद द थिंग्स व्हिच यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ दोस. इफ यू डोंट हैव नॉलेज ऑफ सर्टेन पर्टिकुलर सर्जरी या सर्टेन मेडिकल मैन्यूवर डोंट गो आफ्टर दैट. और ये जनरली भी अप्लाई होता है, स्पेशली भी अप्लाई होता है. सो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं वला तक्फो मा लैसा लका बिइल्म इन्नस समा वल बसर वल फुआदा कुल्लु लाइका काना अनु मसूला. हर चीज में सवाल हो कैसे हम जवाब देंगे. बीइंग ए मुस्लिम ये हमारा ईमान है, कुरान की आयत है. फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से तिब की प्रैक्टिस जिस किसी ने बगैर इल्म और तजर्बे के की, वो अपने अमल का खुद जिम्मेदार है. उसकी वजह से जितने लोगों की डेथ होगी, डिसेबल होंगे, तो वही जिम्मेदार होगा. इसलिए कंटिन्यूसली वी हैव टू इम्प्रूव अवर नॉलेज. फिर यह कि हम नॉलेज में इम्पार्ट भी करते हैं, नॉलेज के अंदर जो है नॉलेज इंक्रीज भी करते हैं, मेडिकल टेस्ट में इजाफा करते हैं अपनी रिसर्च से, अपने तजर्बे से और अपनी मेडिकल राइटिंग से हम इल्म में इजाफा करते हैं. और फिर आपको पता है अल्लज़ीने यतफक्करून फी खल्क समावाति वल अर्ध रब्बना मा खलक्ता हाज़ा बातिलन सुभानका वक़िना अज़ाब अन्नार. ये बुनियादी असूल है जो कुरान ने वज़ह किया है कि कंटिन्यूअसली यू हैव टू पॉन्डर अपॉन द क्रिएशन ऑफ अल्लाह सुभान व तआला. और अल्लाह सुभान व तआला की जो जिस्म है अल्लाह ने जो बनाया है, ये मास्टरपीस है, इसके ऊपर रिसर्च करें. इस विद इंडल्ज योरसेल्फ इन द रिसर्च. इसीलिए अल्लाह एक बड़ा मशहूर मकूला अलिम व इल्मान इल्मुल दान व इल्म, इसकी तशरीह में एक आलम ये लिखते हैं अगेन इफ विल कोट देन वो कहेंगे ये वो भी है सियासतदानी. वो ये लिखते हैं कि आधा इलम यूनिवर्स का इलम है, पूरी यूनिवर्स का, और आधा इलम इस इंसान का है इन इस साथ. तो इसलिए वी हैव टू इंडल्ज अवर सेल्फ कंटिन्यूसली इन द रिसर्च. बगैर रिसर्च के प्रॉब्ली हम आगे बढ़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल है. फिर आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बता दिया है कि कोई अल्लाह ने ऐसी बीमारी नाजिल नहीं की जिसके साथ उसके ट्रीटमेंट भी नाजिल ना की हो. तो इसी कंटिन्यूसली वी हैव टू डू रिसर्च. और ये तफक्करूना रिसर्च, इसका मतलब कुरान पाक में 16 दफ़ा ये कहा गया है कि फिक्र करो, रिसर्च करो, इंडल्ज योरसेल्फ इन रिसर्च. और फिर इल्म का असूल जो है कुरान पाक की पहली आयत जो नाजिल हुई है इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलग इकरा व रब्बुकल अकरमल लज़ी अल्लमा बिल कलम. कोई और अल्लाह ताला ने ऐसी मखलूक पैदा नहीं की जो लिखना जानती हो. लिखने और पढ़ने का जो कसब है ये सिर्फ इंसान ही को अल्लाह ताला ने दी. और इसी की बुनियाद के ऊपर आप अशरफुल मखलूकात हैं. इफ यू ट्राई टू फाइंड द शॉर्टकट्स और इल्म की असूल में इन डेप्थ ना हो, तो उस डेप्थ में इल्म हासिल ना करें, तो फिर जिंदगी में आगे हम निकल नहीं सकते. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है कि इल्म उठ जाएगा. और ये चीज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने आज आपको बहुत सारे लोगों ने ये बता दिया.
एक आलमदीन टेलीविजन के ऊपर ये तकरीर कर रहे थे कि क्लोनिंग हराम है भाई, जो गंदम खाते हो वो क्लोन है, जो तुम सेब खाते हो वो क्लोन है, जो आपकी जितनी बकरियां भेड़े खाते हो वो सारी क्लोन है। व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट क्लोनिंग सिरे से हराम है। किसी ने पूछा ये डोली की, जी आपको पता ना डोली का, सारे जानते हैं डोली की कुर्बानी जायज है या नाजायज है, वो कहते हैं सिरे क्लोनिंग हराम है। मतलब दिस इज समथिंग दैट ही डजंट नो व्हाट क्लोनिंग इज। तो इसलिए एक मुसलमान डॉक्टर की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को एब्रेस्ट रखे उन नई टर्मिनोलॉजीज के साथ भी जो दुनिया के अंदर जो है वो। और फिर अल्लाह ताला ने इसकी जिम्मेदारी ली है, मुझे अरबी के वर्ड याद नहीं है, कि हम ही तुम्हें सीधे रास्ते और हिदायत पे कायम रखने वाले। सीधा रास्ता दिखाना भी अल्लाह ताला का काम है और उसके ऊपर कायम रखना भी अल्लाह रब्बुल इज्जत का काम है। इसलिए हमें जिन लोग जो ईमान वाले लोग हैं, जो अपने आप को ये दावा करते हैं कि हम मुसलमान डॉक्टर हैं, हमें इसके ऊपर हमारा पूरा ईमान होना चाहिए कंटिन्यूसली। फिर शुक्र और एहसान का जो रवैया हर वक्त रखा है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे एक्सपर्ट लोग होते हैं। एक चीज याद रखें कि रिजक का आपकी एक्सपर्टीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कम अज कम पीटी इस्लामाबाद के बहुत सारे ऐसे सर्जन और फिजिशियन को जानता हूँ जो टॉप क्लास एक्सपर्टीज के हामिल है, लेकिन उनकी प्रैक्टिस जीरो है। और ऐसे नए लोगों को जानता हूँ जिनके यहाँ सुबह फजर के बाद लाइन लगती है, ऐसे को भी जानता हूँ। और हमारे यहाँ एक जहाँ जिस अस्पताल में काम करता हूँ वहाँ एक इलेक्ट्रिशियन था, वो इलेक्ट्रिशियन जो है वो जिस स्विच को हाथ लगाता था वो खराब हो जाता था, आठवीं में दो दफा फेल हुआ। तो उसने जाके होम्योपैथिक का कोर्स कर लिया और वो एक दफा मेरे पास आया अपने वालिद साहब के हर्निया रिपेयर करवाने के लिए। तो कहने लगा ही मैं हूँ क्या कर रहे हो तुम सदीक, क्या कर रहे हो? कहते हैं वो जी मेरा तो क्लिनिक है, अल्लाह का शुक्र है बड़ा मसला। मैं क्या किस चीज़ का क्लिनिक है? कहते जी मैंने होम्योपैथिक का कोर्स कर लिया। मैं फिर क्या हुआ? कहते जी अल्लाह का शुक्र है मैंने तो कार भी खरीद लिया। बस ये ऐसा है। तो ये इसलिए दी एक्सपर्टीज। और इसी तरह अगर अल्लाह ताला की तकसीम इस तरह होती बताए खत्म हो गए। अच्छा नमाज किधर पढ़ेंगे? खुद ही पढ़ेंगे। अच्छा अच्छा तो ठीक है खत्म कर। तो इसलिए हमें अल्लाह ताला का हर मौके के ऊपर जो है एहसान और शुक्र कर भी अदा करना चाहिए। तुम अजीत अल्लाह अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह ताला तुम्हें और दे, कितना और देगा इसकी कोई मकदार नहीं करने लगे। नहीं कफर तुम अगर तुम कुफरानी नियामत करो तो मिन अजाब इल्ला शदीद और मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो इसलिए वन शुड बी ऑलवेज शुक्र और एहसान का। फिर आप जहाँ पे हैं आपका इन्वायरमेंट जो है वो क्लीन होना चाहिए। आप मुसलमान हैं और एक मुसलमान डॉक्टर का ये वस्फ होना चाहिए कि साफ सुथरे माहौल में रहे, इन्वायरमेंट ठीक हो, माउंटेड मटीरियल हो जहाँ पे आयात वगैरह लिखी हो। और आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि मरीज को अल्लाह से जोड़ दें। उस मरीज को जब अल्लाह से जोड़ेंगे आपका काम भी आसान हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी आसान हो जाएगी। और यू शुड बी हैविंग ए फार्मल एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद योर पेशेंट। यू शुड बी मर्सीफुल एंड काइंड, डोंट बी क्रूअल टू द पेशेंट्स एंड द रिलेटिव्स। हम्बल होना चाहिए। कभी भी इंसान को इस चीज के ऊपर अकड़ना नहीं चाहिए कि मैं प्रोफेसर बन गया हूँ, ये मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मेरे पास दुनिया से मरीज आना शुरू हो गए हैं। इससे भी मेरे पास काफी सारी इसकी मिसालें मौजूद हैं और अल्लाह के नबी में भी। फिर आपके रिलेशनशिप आपके कुलीग के साथ भी जो है वो किस तरह का होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द ओपिनियन ऑफ योर कुलीग, ऑलवेज रिस्पेक्ट। और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास एक मरीज अगर पर्ची लेके आता है तो हम ये कहते हैं कि उसको तो कोई पता नहीं, उस डॉक्टर को क्या पता है यार मैं प्रोफेसर हूँ वो तो भी है। एंड दिस यू बिलिटल यू योर सेल्फ। तो इसकी इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और जब भी कभी आपसे पूछे तो ऑनेस्ट ओपिनियन दें और अपने सिख कोलीग्स को आप उस पर प्रायोरिटी भी देखें और उनसे चार्ज ना करें। बहुत सारे डॉक्टर डॉक्टरों से भी फीस लेते हैं। अच्छा अच्छा आई हैव सम फोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स। मुझे नहीं पता कि मैंने वो एंड पे रखी थी और वी आर नॉट एग्जॉस्टेड माय टाइम। एनीवे वी विल फिनिश इन 2 मिनट्स। जब भी आपका रिलेशनशिप कायम हो तो उसकी बुनियाद तक्वा और तावन वाले बिर ने तक्वा वाला तावन वाले लिस्ट में वाला भगवान को आपको जिंदगी में हमेशा साबर और टॉलरेंस करने वाला आदमी होना चाहिए। यू शुड हैव Having written SOPs, जो भी डील करें वो बिल्कुल ओपन हो
ये ना हो कि ऑपरेशन थिएटर से हाथ ले वो बाहर आ गए, ये मैंने तो इस चीज़ के पैसे कहे थे, ये तो बड़ा ऑपरेशन करना पड़ गया. टाइम फॉर सलात, इट इज़ अ टाइम फॉर सलात, यू शुड हैव टाइम इन योर प्रैक्टिस फॉर सलात. प्रोविजन ऑफ मास्क उसका आपकी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो करें. कुरान हकीम और काउंसलिंग सर्विस आपकी होनी चाहिए. गवर्नमेंट की भी गाइडलाइंस होनी चाहिए जहाँ आप कर सकते हैं, और आपको एक रोल मॉडल होना चाहिए. और कुछ और चीज़ें हैं जिनको जिसके मतलब एक चीज़ जो एंड के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता था कि वो ये है कि फिक्र के बहुत सारे मसाइल हैं, इनका आपको डायरेक्ट इलम होना चाहिए. इसलिए कि बहुत सारे इश्यूज़ आपके सामने आएंगे जो आपका आपके मौलवी साहब या आपके जो आलम दीन है उसको नहीं पढ़ सकते, उसको समझ ही नहीं सकेंगे. इसलिए ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि फिक्र के जो भी मसाइल हैं उसको, और बिहेवियर के मतलब अल्लाह के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया है कि जो नबी दे दे उसको ले लो, जिससे मना कर दे उससे मना हो जाओ. एंड दिस इज प्रॉब्ली द बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर हम एंड करते हैं. और एक चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो है द क्वालिटी एंड अचीविंग एक्सीलेंस इन योर लाइफ. सूरह काफ में आपने पढ़ा होगा इन्ना जअलना माल अर्द ज़ीनत अल्लाह लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो तो ये देखे कि तुम में से हु अचीव्स द एक्सीलेंस इन हिज वर्क. इसी तरह सूरह मुल्क में है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला. और इसी के तनाज़ुर में सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने फरमाया है हल जज़ाउ अल एहसान इल्ला अल एहसान, कि क्या एक्सीलेंस का बदला एक्सीलेंस के अलावा कुछ और हो सकता है. One should have to achieve excellence in his all his practical life. Jazakumullah khair. Main khan mein ek minute zyada liya. Thank you very much.